Simon wants to share any interesting thing till then? No one. Okay. We begin with a new topic today. Okay, and I'll tell you the name of the topic a little later after answering a few questions. So the questions are like a situation. I'll give you a situation, and after listening to the situation, you have to answer the question. Okay, the first situation is, let's say you are playing in the park with your friends. Okay, usi park mein aapke neighbors mein ek chota baby rehta hai, wo bhi khel raha hai us park mein. तो खेलते खेलते वो गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है और वो रोने लगता है. अब आप क्या करोगे? What will you do? Please raise your hand to answer. What will you do? Okay, Bhavnish. Excuse me, मैम, हम उसे उठाएंगे और पूछेंगे कि आप कैसे गिरे. Okay, आप उठाओगे और पूछोगे कैसे गिरे. और कुछ? Okay, anyone else wants to add on? कोई कुछ और करना चाहे? What will you do if you see this baby fallen? पूर्वी? मैम, हम उसे उठाएंगे, उससे पूछेंगे और मैम उसकी फर्स्ट एड लगा देंगे. मैम और उसे बैंडेज लगा देंगे. Okay, तो हम उससे पूछेंगे कि आपको कैसे लग गई चोट और आप बैंडेड भी लगाएंगे या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. Okay, that's amazing. Now the question is, जब आप उस बेबी को देखते हैं कि वो cry कर रहा है और आप जाते हैं उसके पास, तो आप ये कौन सा ह्यूमन वैल्यू या कौन सा फीलिंग है जो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं उस बेबी के लिए? Think of the feeling or the human value that you are expressing when you see this child is in pain and you go to their child to resolve the issue. आप कौन सा ह्यूमन फीलिंग पोर्ट्रे करेंगे तब? एनीवन थिंक? हार्दिक प्लीज अनम्यूट. Unmute, beta. Yes, ma'am. Yeah, so which human feeling you will be portraying? Ma'am? हम उसे उठाएंगे और बैंडेड लगाएंगे और उसे पूछेंगे कैसे गिरे और उसके उसको उसके घर ले जाएंगे. क्यों करोगे? आप क्या फील कर रहे होगे जो आप ऐसा स्टेप उठाओगे? मैम, आपके अंदर क्या फीलिंग होगी जब आप उसका हेल्प कर रहे होगे? या आप क्यों उसका हेल्प करोगे? मैम पता नहीं. आपको उसका पेन फील नहीं हो रहा होगा? आपके अंदर ऐसे सवाल नहीं होंगे कि उसको कितनी दर्द तो नहीं हुई, कहीं उसे जोर से तो नहीं लग गई चोट? आप उसके लिए ऐसा फील करोगे ना, तो इस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज काइंडनेस और कंपैशन. ओके, सो वी कॉल इट एज ईदर काइंडनेस और कंपैशन. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सिचुएशन. लेट्स से योर मम्मा हैज गिवन यू अ ग्लास ऑफ मिल्क टू ड्रिंक, तो वो टेबल पे रख देते हैं और आप खेल रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है और आपका हैंड लग जाता है और ग्लास गिर जाता है, मिल्क स्पिल हो जाता है सारा. Now what will you do? Akshit, please unmute and answer. तो मैम, हम उसे साफ करेंगे, ग्लास किचन में रखेंगे. ओके, आप साफ करेंगे, ग्लास किचन में रखेंगे. और व्हाट अबाउट मम्मा? हम मम्मी को सच बता देंगे कि हमसे गलती से ग्लास गिर गया. ऑलराइट, तो आप मम्मा को जब सच बताओगे तो आप कौन से ह्यूमन फीलिंग या वैल्यू यहाँ पर दिखाओगे? व्हेन यू विल स्पीक द ट्रूथ, व्हिच इज दैट फीलिंग और व्हिच इज दैट ह्यूमन वैल्यू?
ऑनेस्टी राइट आप सच बोल रहे हो या सो दैट्स ऑनेस्ट यू आर बीइंग ऑनेस्ट हियर ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन लेट्स से योर मैम हैज गिवन यू अ मैथ्स प्रॉब्लम आज एक मैम ने कॉन्सेप्ट सिखाया और एक क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपको समझ आ गया बट आपके फ्रेंड को नहीं समझ आया अब आप क्या करोगे कनिष्का यस मैम व्हाट विल यू डू नाउ व्हाट विल यू डू आपको क्वेश्चन समझ आ गया मैथ्स का कि कैसे करना है आपके फ्रेंड को नहीं आया अब आप क्या करोगे मैम हम उसे बताएंगे कि हमें ऐसे करना है आप उसको समझाओगे यस मैम जब आप उसको समझा रहे हो तो आप कौन सा फीलिंग या कौन सा ह्यूमन वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पे आप उसका क्या कर रहे हो आप उसके लिए आप उसको समझा रहे हो तो आप क्या कह रहे हो आप उसके लिए क्या कर रहे हो आप उसको हेल्प कर रहे हो यस मैम सो द ह्यूमन वैल्यू हियर इज हेल्पफुल सो कनिष्का विल बी हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन ओके नाउ लास्ट वन लेट्स से योर फ्रेंड gave you a birthday present aapke friend ne aapko ek birthday present diya aapko na acha nahi laga aap kya karoge rupank please unmute and answer ma'am agar humne kisi ko अगर वो किसी को आंसर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम उसकी मदद कर देंगे आंसर देने में द क्वेश्चन इज बेटा कि आपको बर्थडे प्रेजेंट आपके फ्रेंड ने दिया है और आपको आपके फ्रेंड का गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो आप क्या करोगे मैम हम कह देंगे कि हमें आपका गिफ्ट बहुत अच्छा है लेकिन अगली बार से ना आप थोड़ा अच्छा बैडनेस ना लगे ताकि उन्हें बैड ना लगे कि हम उन्हें गिफ्ट दिया और उन्होंने हमारे गिफ्ट के बारे में ऐसा बोला अच्छा तो अभी तो आप कह रहे थे कि आप उन्हें बोलोगे अगली बार थोड़ा इससे अच्छा गिफ्ट देना फिर आप कह रहे हो उन्हें बुरा ना लगे बुरा तो लग गया मैंने बोला कि इससे अच्छा देना है ना मैंने तो बता दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा हाँ तो अगर मैं उसको ऐसे बोलूं कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे अच्छा गिफ्ट देना तो इट मींस कि मैं उसको बोल रही हूँ ये अच्छा नहीं था तो फिर मैंने तो उसको हर्ट कर दिया ये लाइन बोल के तो मैंने ये राइट लाइन बोली फिर बताइए रूपांक अनम्यूट बेटा मैम हमें एक डाउट है हाँ जी पूछिए मैम देखो आपने नीचे लिख रखा है कि हम इसमें थर्ड क्लास के बच्चों को भी आना लेकिन यहाँ पर तो दूसरे बच्चे आ रहे हैं थर्ड क्लास के बच्चों को आने तो बेटे थर्ड क्लास के बच्चे हैं और कौन से बच्चे दिख रहे हैं आपको यस मैम लेकिन यहाँ पर ना मैंने उन्हें पहचाना नहीं है वो मैंने दूसरी क्लास में देखे थे इसमें एक ही है वो जो अनन्या है अनन्या इस क्लास में है बेटा इट्स अ मर्ज्ड क्लास व्हिच इज व्हाई यू आर सीइंग इट फ्रॉम अदर सेक्शंस आल्सो किड्स ओके यस इट्स अ मर्ज्ड क्लास Okay, so Sanskriti, please unmute. Sanskriti Raj, please unmute. Ma'am, actually, वो washroom गई है, ma'am.
Okay, let her come back then. Yeah, that's okay. Okay. Shaurya? Yes, ma'am. हाँ शौर्य क्या करो गिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा तो मैम हम उनसे कहेंगे कि आपका गिफ्ट अच्छा है पर बट थोड़े से वो थोड़े से आपका गिफ्ट अच्छा है पर वो मतलब उसमें क्या कमी आपको लग रही है आप ये बताओ आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि उसमें क्या होना चाहिए था कि हम ये कहेंगे कि आपका गिफ्ट अच्छा है पर थोड़ी सी कमियां हैं अभी अब एक बात बताओ आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाओ और आपको कोई यही लाइन बोले कि शौर्य थैंक यू आप मेरे लिए गिफ्ट लाए आपका गिफ्ट अच्छा है पर इतना मतलब थोड़ी कमी है इसमें आपको कैसा लगेगा बताओ आपने मेरे को गिफ्ट दिया मैंने आपको वही लाइन बोला जो आपने मेरे को बोला है ना तो आपको कैसा लगा अच्छा लगा सुन के आपको सो दिस इज व्हाट व्हेनेवर योर फ्रेंड और एनी पर्सन गेट्स अ गिफ्ट फॉर यू वो आपके लिए तो लव से ला रहे हैं ना दे लव यू दे लाइक यू दे एडमायर यू तभी वो आपके लिए ला रहे हैं सो मे बी योर चॉइस इज नॉट सेम एज देयर्स हम सबकी चॉइसेस अलग होती है ना अगर लेट्स से टेडी बेयर है हो सकता है आपको पिंक टेडी बेयर पसंद हो व्हाइट टेडी बेयर पसंद हो रेड टेडी बेयर पसंद हो मुझे ब्राउन टेडी बेयर पसंद है तो इसका मतलब मेरा गिफ्ट बेकार तो नहीं है ना क्योंकि आपका चॉइस अलग है मुझसे सो हम सबके चॉइसेस अलग है पर कोई आपके लिए कुछ लाया है तो वो दिल से लाया है तो अगर आप ये बोलोगे कि उसमें ये कमी है या इससे बेटर हो सकता था उसे तो बैड लगेगा पर अगर मैं ये कहूँ कि थैंक यू आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो आई रियली लाइक द गिफ्ट सो द अदर पर्सन विल ऑल्सो बी हैप्पी Because क्यों in that case you are respecting that person. आप उनकी respect कर रहे हो आप उनके जो वो आपके लिए लाए हैं you are showing that wow it's a nice thing and I accept it and I really like it. Right? So this is respect. और similarly अगर आपको gift बहुत अच्छा नहीं भी लगा तो आप किसी को भी कुछ नहीं कहोगे Right? आप सबको यही कहोगे मुझे gift अच्छा लगा Because Somebody has got it for you and you are respecting that person's sentiments altogether. Okay? So then you are respecting. So yahan hum human value tab respect dikhate hain. Agar hum kamiyan nikalenge, to kami to dekho hamesha rahegi. Kyunki jo cheez mujhe pasand hai, wo to sirf mujhe pata hai na, wo to kisi aur ko nahi pata. To phir main kaise expect karti hu ki koi mere wahi cheez layega jo mujhe pasand hai. Koi to hame acha lagta hai, koi nahi lagta, kyunki hamara choice alag hai usse. Right? So we never say something is bad. We always say it's good. Why? Because we have to see the intent. कि कोई हमारे लिए क्यों लाया है? क्योंकि कोई हमारे से प्यार करता है, हमारे लिए care करता है, इसलिए लाया है. So that feeling of that person is important, not the gift. Okay? So now when we say human values, Can anyone tell me कि values, human values, moral values हम सब सुनते हैं ये word है ना इसका meaning क्या होता है values का meaning? Anyone who would like to guess? Himank, please guess the meaning of values. Himank, please unmute yourself. आपने कभी सुना है moral values का नाम word सुना है कभी moral values होते हैं moral stories होते हैं
तो इसमें वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कभी नहीं सुना आपने, कोई मॉरल स्टोरी नहीं सुनी कभी? नो फ्रेंड्स, आपने कभी भी कोई भी स्टोरी नहीं सुनी मंकी एंड टू कैट्स वाली भी, क्रो वाली, पुटिंग पेबल्स इन द पॉट टू गेट द वाटर? आपने कोई स्टोरी नहीं सुना कभी? नो मंक, आई थिंक प्लीज स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स देन. You should be reading. Sanskriti, please unmute and answer. Ma'am, value means respect. Ma'am, aapki awaaz nahi aa rahi hai. Sanskriti, you have to answer. Beta, I'm listening to you. Please speak. Okay, ma'am. Ma'am, value means respect. वैल्यू इज रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं होता बेटा. वैल्यू, रिस्पेक्ट एक तरीके की वैल्यू होती है. इसके अलावा जो हमने वर्ड सुना, काइंडनेस, कंपैशन, केयरिंग, लविंग, ये सब वैल्यूज होती है. ओके, वैल्यूज का मतलब होता है कि हमें कैसे सबके साथ रहना चाहिए, कैसे सबके साथ बिहेव करना चाहिए, ये हमारी वैल्यूज होती है. और मैनर्स क्या होते हैं फिर? What are our manners? Values तो हमें समझ आ गए कि हमें सबके साथ कैसे रहना है, सबके साथ कैसे बिहेव करना है, ये मॉरल वैल्यूज है. फिर मैनर्स क्या हुए? एनी गेस? मैनर्स होते हैं एक्शन, हम कैसे बिहेव करते हैं. आपको याद होगा हमने डाइनिंग एटिकेट्स में टेबल मैनर्स सीखे थे, तो हम टेबल पर कैसे बिहेव करते हैं, यानी हम एक्शन ले रहे हैं ना कि हमें स्लर्प नहीं करना, हम एक्शन ले रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं, दैट इज मैनर्स. सो मॉरल वैल्यूज हमें कैसे करना चाहिए, और मैनर्स हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, दोज आर आवर मैनर्स. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है मॉरल वैल्यूज होना? क्यों इंपॉर्टेंट है गुड मैनर्स हो हमारे, या गुड मॉरल वैल्यूज हो, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे? कैन एनीवन गेस? सफा, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. सफा 3A, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर. यस मैम. व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव मॉरल वैल्यूज और गुड मैनर्स? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हम फील के लिए. किसके लिए? फील. फील, फील का मतलब हमारे बर्ताव. ओके, सो कैन आई से हमारे बिहेवियर के लिए? यस. ओके फाइन, सो राइट, हमारे बिहेवियर के लिए यस, क्योंकि अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो क्या हमारे फ्रेंड्स बनेंगे? कोई हमसे बात करना चाहेगा? कोई अगर रूड होता है, बैडली बात करता है, आप उससे कभी बात करते हो जाके दोबारा? करते हो कभी? करते हो तो गिव मी थम्स अप, नहीं करते तो गिव मी थम्स डाउन. आई विल गेट योर आंसर. ओके, सवा गिव्स द थम्स डाउन, संस्कृति गिव्स, संस्कृति थम्स अप, डाउन. ओके डाउन. नव्य गिव्स द थम्स डाउन. कनिष्का, आई कांट सी योर थम बेटा. Okay, Rizvi says thumbs down. Darsh says thumbs up. I never knew Darsh. Agar aap kisi se badly baat karoge to wo aap se baat karenge. Okay, it's down. Okay, you've changed it. Right. So definitely, agar aap aise badly behave karoge to koi aap se baat karna nahi chahega. Similarly, jab koi baat karna nahi chahega to aapke relations honge koi? Koi aap se relationship rakhega? No, so you will hardly have people around you. Because they will not like to talk to you, they will not like to come to you. और फिर अगर आप किसी, आप हमेशा गुस्से में रहोगे, इरिटेटेड ही रहोगे, स्माइल नहीं करोगे, आपको खुद को अंदर से अच्छा लगेगा ऐसे? जब हम हैप्पी होते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, जब हम सैड इरिटेटेड होते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता. इट मीन्स हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी. तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है मॉरल वैल्यूज होना. ओके, नाउ द थिंग इज कि हमें कैसे पता चलता है,
कि क्या मॉरल वैल्यू होना चाहिए क्या नहीं, क्या हमारा मैनर्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम एक स्टोरी वॉच करेंगे अभी. ओके, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, लेट्स एंजॉय वॉचिंग इट. Okay, can all of you see the screen? Just show me a thumbs up if you can see the screen. Okay, Safa can see the screen. Himang can, all right. Let's watch the story. Ramu was in a hurry. He was walking through a farm. I have earned enough money for my mother's treatment. The moment I reach my village, I will start treatment for her. At the same time, two friends were walking behind Ramu. Hey Ganesh, what are you thinking? Hurry up! No, Chan. I was thinking of... Hey, look! The fellow who is walking before us has dropped a bag. Come, let's see what it is. Hey, it's heavy. Let's see what's inside. Oh my God! Cash! Is it? The man seems to be unaware of it. Let us take it for ourselves. Chan, what are you saying? It's not ours. We have to return it to him. Oh, Ganesh, let's take it. No, Chan, I will not allow you to do that. We have to return it to him. Who knows? It might be for some important purpose. Ganesh, listen, listen. Ganesh walked ahead and called out. Sir, I think this bag belongs to you. Yes, it's mine. I missed it. How did I miss it? Thank you. Do not mention, sir. You do not know how much you have helped me. This money is for my mother's treatment. Oh God, I can't even think what would have happened to her if you had not returned it to me. I am really thankful to you. You carry on, sir. Let your mother get well soon. Bye, friends. Come, let's go, Chan. Ganesh, I was about to do a great mistake. You saved me from it. Now I learn the real joy of doing the right thing. Okay, so that was the story. So in the story, you saw two people, Ganesh and Chan. Kiska decision sahi hota? Ganesh ne jo kiya, wo theek kiya? Ya jo Chan karne ko keh raha tha, wo right hota? Who would like to answer? Dash? Okay, Navya. Ma'am, Ganesh. Ganesh, right. Aur aapko kyu laga uska decision right tha? Wo rakh sakte thi, koi dekh thod na raha tha unko rakhte hue paise. Navya, one second. Ma'am, ho sakta hai, ma'am, uski koi zaruri cheez ho, use mushkil se mili ho. Okay. Arjun? Yes, ma'am. Ma'am, उसे क्योंकि अपनी मम्मी का मदर का ट्रीटमेंट करवाना था. पर ये गणेश को थोड़ा ना पता था, ना चांद को पता था. शौर्य? ओके. राघव अनम्यूट. Okay. Right. So if you see here, Ganesh's decision was right. Despite he koi dekh nahi raha tha, wo paise chura sakte the. But nahi churaya kyun? Hum sochte hain ye ki koi hame nahi dekh raha. How can you forget? You are watching your own self. Can you say yourself as thief? Aap kabhi apne aap ko thief bologe? आप अपने आप को थीव बोलना पसंद करोगे? नहीं. सो इट्स नॉट अबाउट कोई देख रहा है या नहीं, इट इज अबाउट वेदर इट्स अलाउड और नॉट.
तो अगर हम गणेश को देखें तो गणेश को देख के हमें समझ आता है ना, उसे पता था कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं. सो स्टीलिंग नॉट अलाउड, तो मैं नहीं करूंगा, उसे क्लैरिटी थी, राइट. तो ये क्लैरिटी हमें कहाँ से आती है? ये क्लैरिटी हमें मिलती है एक स्टूपिड लाइन से. स्टूपिड लाइन का क्या मीनिंग है? इट्स अ बाउंड्री. इस बाउंड्री के बाहर हमारे जो भी बिहेवियर्स हैं वो नॉट अलाउड होते हैं, और इस बाउंड्री के अंदर जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो अलाउड होते हैं. ओके, सो लेट्स से इफ आई आस्क यू टॉकिंग रूडली टू समबडी, आप इसको कहाँ पे डालोगे? अबव द लाइन या बिलो द लाइन? टॉकिंग रूडली, संकेत. Where will you put it? You'll put it above the line or below the line, Sanket? Yes, ma'am. Talking rudely. Above the line, below the line. Ma'am, below line. Allowed hai? Rudely baat karna allowed hota hai? No, ma'am. So, nahi allowed line ke upar hai ya niche hai? Boundary ke andar hoga ya boundary ke bahar hoga not allowed? Ma'am, allowed. बाउंड्री के बाहर, तो जो चीज बाउंड्री के बाहर है ना वो नहीं कर सकते हम, जो बाउंड्री के अंदर है वो हम कर सकते हैं. सिमिलरली स्पीकिंग ट्रूथ, वेयर विल यू पुट इट? अनन्या प्लीज आंसर. मैम बिलो द, राइट, दैट विल बी बिलो द लाइन. ग्रेट. सिमिलरली eating junk food a lot, अब कहाँ डालेंगे हम eating junk food को? Above the line या below the line? दर्श, I'm above the line. It's above the line. It's not allowed. If I say eating junk food at times, यानी कभी कभी, that is allowed, right? But not very often. Great. Similarly, अगर मैं किसी से फाइट करती हूँ, हिट करती हूँ, नॉट अलाउड, सो अबव द लाइन. सो दिस बाउंड्री टेल्स मी कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड. एंड डू यू नो व्हाट, इफ आई नो दिस बाउंड्री क्लियरली कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो मेरे चॉइसेस भी उस पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है स्टीलिंग नॉट अलाउड, बाउंड्री के ऊपर है ना स्टीलिंग, तो अगर मैं कोई एक्सपेंसिव पेन या पेंसिल गिरा हुआ देखूंगी, क्या मैं उसे उठाऊंगी कभी? अगर यस गिव मी थम्स अप, अगर नो गिव मी थम्स डाउन. नो, राइट, मैं नहीं उठाऊंगी, राइट. नव्या इज गिविंग थम्स डाउन, अनन्या इज गिविंग मी अ क्रॉस, सफा इज गिविंग मी अ थम्स डाउन. ग्रेट. सो वो हम नहीं करेंगे. तो जब हमें पता है कि हम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स बैड, स्टीलिंग इज बैड, तो मेरा चॉइस अच्छा हुआ ना कि मुझे वो पेन उठाकर मैम को दे देना चाहिए कि मैम किसी बच्चे का पेन गिर गया है, आए तो आप दे दीजिएगा. सो डिड आई मेक अ गुड चॉइस बाय गिविंग दैट पेन टू मैम, राइट. बट अगर मुझे पता ही नहीं, या अगर मैं कहूँ नहीं नहीं चल एक बार स्टील कर लेती हूँ कोई बात नहीं, तो मेरी चॉइस क्या हुई? गुड रही या बैड हो गई? बैड हो गई ना. तो ये हमारी स्टूपिड लाइन हमारे को चॉइसेस लेने में हेल्प करती है. अब आप सोचो आपके आसपास कोई आपने चॉइसेस कभी आपने ली हो, कभी आपने किसी को हिट करते हुए, फाइट करते हुए देखा हो, स्टील करते हुए देखा हो, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपको ठीक नहीं लगा. हैव यू, डू यू हैव एनी चॉइसेस टू शेयर? एनी गुड चॉइस, एनी बैड चॉइस? कि आपका किसी से फाइट हो रहा था बट आपने फाइट नहीं किया, आपने उस बात को आराम से सुलझाया, फॉर एग्जाम्पल. सो दैट्स अ गुड चॉइस, राइट. तो आप सोचो कोई आपके पास कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो, जहां आपने कोई गुड चॉइस लिया हो बिकॉज आपको स्टूपिड लाइन का क्लैरिटी था. है कोई इंसिडेंट्स? ओके, सफा वांट्स टू शेयर. सफा गो अहेड. मैम तब ना हमारी फ्रेंड हमसे लड़ रही थी ना, तो हमने उस बात को सुलझा दिया था. वाओ, so that was a good choice. तो आपको it means clarity ही ना कि अगर fight करना allowed नहीं है तो मैं आराम से सुलझाऊँ इस बात को, right? So see, you were clear with your stupid line there. Wow, that's nice, Safa.
Anyone else has any incidents to share? It can be anything related to if you had any fight, if you had any argument with anyone, or let's say ki aap jaise aajkal to hum online classes kar rahe hain, parents pe bhi burden thoda zyada hai, to mama papa kabhi aapki baat nahi sun paaye dhyan se, to hume thoda sa gussa aa gaya, kyun nahi sun rahe the, par humne gussa nahi kiya, humne aaram se handle kiya situation. Aisa koi situation ho aapke paas, think. Okay, I'll share one situation. You know, it's related to yesterday only. I was so I wanted to relax for a while. Mera thoda sa na ghumne jaane ka man tha, and I have a little baby along, so I asked him, okay, will you come to me, come with me, let's go out for some time. He said okay, we'll go. And we went, and we had a good time. And the amazing thing was, I took him to a store jahan pe na kids ka saman milta hai. So I asked him, do you want something? He first looked at everything. To usko ek colors pasand aaye. I said, ye wale colors to aapke paas hai, kya karoge aap aur leke? He said, okay mama, fir hum wo dekhte hain jo na mere paas nahi hai. Kyunki mere paas itne colors hai, main kya karu aur leke, theek hai? Jo mere paas nahi hai na, hum wo cheez dekhte hain and hum wo le lete hain. So he did not had a black and a white board together, because he just has a white board but not the black side of it. So I said, okay, we don't have this board. So he was like, ठीक है मामा, हम ये बना लेते हैं. Now उसमें भी they were big and small. So I was like, आप small ले लो. He was like, नहीं मुझे big लेना है. Then I said, okay, देखो small वाला ना आप अपने study table पे रख सकते हो. हम big वाला कहाँ hang करेंगे? वो अच्छा भी नहीं लग रहा. और पता नहीं इसका material भी कैसा है. He said, हाँ मामा, चलो पहले हम small वाला लेके try करते हैं. अगर ठीक निकलेगा फिर हम big वाला ले लेंगे. So do you see his choice here? It was a good choice because he was clear कि मुझे unnecessary expend नहीं करना, मुझे वो चीज लेना है जो मेरे पास नहीं है, and he got that, right? So he did not cry, he did not argue, he did not fight, he just answered, we just had question answer and we got the thing. So सोचो कहीं पर आपने ऐसे किया हो, अपने मम्मा पापा की बात को समझा हो, और because आपको stupid line का clarity था और आपने वो decision लिया हो. Think if you have any incidents like that to share. Anyone? Shaurya, you have an incident to share? मैम उस टाइम ना हम फर्स्ट क्लास में थे, तो हमारे हमारी एक हमारे क्लासमेट से फाइट हो गई थी. उन्होंने हमारी एक एक गिरी हुई पेंसिल उठा ली थी, तो वो कह रहे थे कि ये हमारी है, पर हमें याद था कि वो हमें हमारी हमारी गिर गई थी. तो फिर हमारी थोड़ी फाइट हमने आगे बढ़ाने के बजाय हमने उसे सुलझाया, हमने मैम को बताया वो. Okay, that's nice. That was really nice, Shaurya. Good decision you had taken. So see, you had the clarity of stupid line, so your choice was good, right? Great. Anyone else? Raghav, you want to share an incident? Ma'am, what? आपको कोई incident share करना है? You're raising your hand. No, ma'am. Okay, Safa was raising. Safa? Yes, ma'am. You want to share an incident? Share. Ma'am, एक बार हमारी पेंसिल गिर गई थी, तो ना हमने ना तो ना वो मेरी फ्रेंड ने उठा ली थी, तो मैंने मैम को बताया, मैम ने मुझे दिलवाया. Okay, that was again a good choice कि आपने फाइट नहीं किया ना आर्ग्यू किया. And you took the help of the adult. That's nice. Just to make you a bit clear of the choices, I'll share another video with you. It's just a 1 minute video. Let's watch that. Give me a minute. So
So we make the choices that whether we want to help somebody or we want to hurt somebody, whether we want to bring happiness and joy to somebody or whether we want to bring tears to somebody, whether we want to forgive or whether we don't want to care. So we make choices every day. So the child went fall down, the other child started laughing. Was it a good choice or a bad choice? Agar koi girta hai, hum hasne lag jate hai na? Ye bad choice hoti, right? What's the good choice? The good choice is we should ask that person, ki aapko laga to nahi? Are you fine? Okay, so that's your good choice. Let's say if you saw यहाँ पे जब yellow वाले बच्चे ने उस girl से पूछा था that you are fine, this boy again fall down and what did this girl do? She started laughing. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई हंसा था. Do you think that's right? कि कोई हमें तंग करे, कोई हमारा मजाक उड़ाए, तो क्या हमें वैसा रहना चाहिए? नहीं. Because then इसका मतलब हमें stupid line की clarity नहीं है. So if we know our stupid line clearly, then it means कि कोई हमारे साथ bad बोले, क्या हमारा मजाक उड़ाए या हमें परेशान करे, हमें वो नहीं करना, क्योंकि हमें पता है stupid line में clarity हमारी है कि हमारी good choice क्या बनेगी और bad choice क्या. आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे आपको. And the important lesson that we learn is treat others the way you want others to treat you. अगर आप चाहोगे कि कोई आपसे अच्छे से ट्रीट करे, अच्छे से बिहेव करे, तो पहले आपको उससे अच्छे से बिहेव करना है. ओके? तो अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तभी वहां से आएगा. सो नेवर एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव नाइसली फर्स्ट. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टू बिहेव दैट वेज. ऑलराइट, नाउ विद दिस आई जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर. दैट वाज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट द चॉइसेस. आई विल जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू इन द चैट वंस. So you have to read page, just a second. Yeah, you have to read page 41. It's related to choices, and do page 44 and 53. Okay. So 53 is about manners. You have to tick or MCQ, something like that, and same is for 44. Okay, so it's about manners. तो आपने ये करना है होमवर्क में. इसके अलावा लास्ट क्लास में हमारे पैम्फलेट के गाइडलाइंस रह गए थे, हमने हेल्थ थीम के ऊपर बनाने थे जो. सो दिस थीम दैट वी हैव डन टुडे इज अबाउट योर मॉरल वैल्यूज, आवर चॉइसेस एंड आवर मैनर्स. और जो हमारी लास्ट थीम थी उसके मैं आपके साथ गाइडलाइंस एक बार शेयर कर रही हूँ. Just give me a minute. I'll just get it here, the link for the pamphlet jo reh gaya tha last time. Share karna. Cheshta ma'am would request you just if you can check if the link is working for kids. Okay, people, so these are the guidelines for the pamphlet that I'm sharing. Jo aapne health ke liye pamphlet banana hai, sabse pehle? Yes, ma'am. It is okay. All right. Thank you, ma'am. So
इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो ऑफ दिस पीपल. आपने सबसे पहले एक टाइटल पेज बनाना है पैम्फलेट का. पैम्फलेट हमारा एक फैन की शेप में, हम ऐसे पेपर फैन के शेप में फोल्ड करते हैं. सो दिस इज आर पैम्फलेट जो आप जनरली डॉक्टर्स के, डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वहां होते हैं वो पैम्फलेट्स. तो सबसे पहले आप उस पर एक टाइटल पेज बनाओगे और उसको एक टाइटल दोगे. तो टाइटल पेज जो है वो थोड़ा पिक्चर्स और डेकोरेटिव होना चाहिए. उसको एक टाइटल दोगे जैसे हेल्दीफाई ईच वन. देन आप उसमें क्या क्या कॉन्टेंट डालोगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि हेल्थ का क्या मीनिंग होता है, थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ कौन सी होती हैं और कैसे ये थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ कि हमारे लिए हेल्दी रहना क्यों जरूरी है और हम कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. इसके बाद आप लिखोगे फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का क्या मीनिंग होता है और आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो. इमोशनल हेल्थ, इसका क्या मीनिंग होता है और आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो. सोशल हेल्थ, इसका क्या मीनिंग होता है और आप कैसे अपने सोशल हेल्थ का ध्यान रखते हो. एंड लास्टली इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का क्या मीनिंग है और कैसे हमें हेल्दी रहने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है. तो हमारी जो थीम थी दैट वाज हाउ टू रेज आवर इम्यूनिटी. सो वी आर मेकिंग द पैम्फलेट इन द एंड इन रिलेशन टू दैट. सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट यू कैन फॉलो. So I've shared the link here. You may just open the link. The sheet will open. जो अभी आपके पास दिखाया था मैंने, the same sheet will open. Yes, Kanishka. Yes, ma'am. Ma'am कह रहे थे कि वो मैं जो आप कह रहे हो activity वो आप एक बार दिखा दीजिए video में. क्या दिखा दूँ? क्या दिखा दो बेटा? कनिष्का मैम आप जो अभी अभी कहते हैं एक्टिविटी बनाना. एक्टिविटी बेटा मैंने आपको ये गाइडलाइंस दी है ना, आपने क्या क्या लिखना है उसमें. आप ये लिंक को ओपन एक्टिविटी बनानी है वो उस किस पे बनानी है वो आपका. जैसे ये शीट है, जैसे हम फैन को फोल्ड करते हैं तो मैंने एक फैन का फोल्ड किया, फिर मैंने दूसरे तरीके से किया और फिर तीसरे तरीके से, तो ये मेरा पैम्फलेट बन गया. अब मैं इसमें पहले यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर मैं यहाँ लिखूंगी, फिर यहाँ यहाँ और फिर यहाँ. ओके, ये फैन की तरह से बन जाता है आपका. ओके, सो दिस इज द पैम्फलेट. या जैसे आप फैन करते हो, बट हम फैन के लिए थोड़ा थिन फोल्ड्स बनाते हैं, इसमें आप थोड़े ब्रॉड बनाओगे क्योंकि आपने लिखना है. ओके ओके, सो फाइन गाइस, सी यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट, बाय.